नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन और मैं हूं आपके साथ सचिन तिवारी। विपक्षी दलों की बैठक होनी है और आपको बता दें विपक्षी दलों की बड़ी बैठक 12 जून को पटना में होनी है। इसी का जानकारी देते हुए बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये तिथि और जगह तो एक तरह से घोषित हो ही चुकी है कि 12 तारीख को पटने में अधिकांश विपक्षी दलों की बैठक होगी, जिसमें आगे के रणनीति पर विचार होगा कि लोकसभा चुनाव में कैसे गैर भाजपा सभी विपक्षी दल एकजुट होकर आपस में एकमत होकर कैसे लड़ें, उस पर बातचीत होगी। क्योंकि अब ये बात लगभग सभी मान चुके हैं कि अगर सभी दल एकजुट हो गए तो फिर भाजपा वापस सत्ता में नहीं आ सकती है। यह लगभग सब लोग अब आश्वस्त हो चुके हैं। अब इसमें जो भी विपक्षी दल हैं उनको बैठकर व्यवहारिक दृष्टिकोण से आपस में सभी चीज़ों के बारे में राय शुमारी करके एक निर्णय हो जाएगा और फिर देख लीजिएगा 24 के इलेक्शन का नतीजा किस तरीके का होगा। कितनी महत्वपूर्ण बैठक मानते हैं सर इस बैठक को, इसका क्या श्रेय नीतीश कुमार को देंगे आप लोग, चूंकि नीतीश कुमार ने एक बड़ी पहल की उसके बाद यह बैठक हो रही है। ये अत्यंत महत्वपूर्ण बैठक है और इसमें श्रेय लेने देने की बात नहीं है, ये तो पहल करने की बात है। और ये तो पूरे देश ने देखा है कि पहल तो हम लोगों के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा कई जगह जाके सारे विपक्षी दलों के नेताओं से बातचीत करके और एक पूरे देश में माहौल बनाया है, ये सब लोगों ने देखा है। तो पहल तो नीतीश कुमार जी ने की है, हालांकि ये भी बात है कि आखिर सहयोग और इच्छा दिल में सभी दल के नेताओं की है, तभी तो आ रहे हैं, उनके मन में भी वही बात थी। तो पहल नीतीश कुमार जी की है, लेकिन सहयोग, इच्छा, समर्थन और फिर एकजुटता की कवायद सब लोगों के इच्छा से और सब लोगों के सहयोग से ही संभव है। तो अभी आपने सुना बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने क्या कुछ कहा। उन्होंने कहा कि विपक्षी दलों की बैठक की तारीख निर्धारित कर ली गई है जो कि 12 जून को पटना में होगा, जिसमें तमाम विपक्ष के नेता शामिल होंगे, जिसमें रणनीति तैयार की जाएगी जो 2024 के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। धन्यवाद, ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें।